दो ले लेंगे सोचा। ले लिए? नहीं लिए। काट दो। नहीं तुम्हारे तरफ से मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, जल्दी फोटो ले। नहीं साहब, हमारे बच्चों का पैसा टाइप कर रहे, मैं अंदर कर देता था कि हम चोरी कर रहे थे, कि हम डाका मार रहे थे, क्या कर रहे थे हम? परमिशन मांगने आए तो इतने बात कर दिए बच्चों को? जो भी है या कोई भी बोले होंगे तो सुन लीजिए, अगर मेरी मेरी हरकत अगर शुरू होंगी तो फिर मैं ईंट से बजा दूंगा। मैं ये मैदान किसी के पाप का नहीं है, ये मैदान मस्जिद का है, किसी ग्राउंड खेलने का नहीं है, ये ग्राउंड खेलने का नहीं है, ये मस्जिद का ग्राउंड है। ये हम इजाजत दी है उनको खेलने, हम उनके पाप के लोग नहीं है, उनसे परमिशन ले रहे हैं आप लोग, कौन उन परमिशन देने वाले हमको? पहले परमिशन को अप्लाई करना था, कोई जरूरत नहीं है साहब, हम अपना हित जांच कर रहे हैं, हमारे घर मस्जिद के सामने ग्राउंड में कर रहे हैं, हाँ जुलूसा निकाल रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो अलग बात है। हम सिर्फ अपने प्यारे रसूल पे अगर कोई मेरे कोई बुरा बोलेंगे तो मैं क्या उसको खामोश सह लूं? नहीं, चीज मुर्दा खोम नहीं हो रही है। उसके बाद करिए थोड़ा पीछे, अस्सलाम वालेकुम, नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज ओल्ड सिटी में कुछ नौजवानों ने आज बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और उन्होंने बाज़ाब्ता पुलिस से परमिशन निकाल कर आज जामे मस्जिद दारुशफा के सामने ग्राउंड पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मुसलसिल गुस्ताखियां हो रही है और जो कुछ अमल ये किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी हुकूमत ज़िम्मेदार है, मरकज़ी हुकूमत भी ही ज़िम्मेदार है। अब मौजूदा हालात में हमारे बुज़ुर्ग और हमारे औलिया अल्लाह की शान में भी ये लोग गुस्ताखी करते चले जा रहे हैं, इसी को पेश नज़र रखकर आज पूरे नौजवानों ने यहाँ जमा होने का फ़ैसला किया और हम खामोश एहतजाज में बैठे रहे और ये कोशिश किया हमने कि कोई हालात को ख़राब ना होने दे, और हमारी ये कोशिश है कि हमारी बात जो आज हम यहाँ जमा हुए हैं वो मरकज़ी हुकूमत तक भी पहुँचे और हमारी रियासती हुकूमत तक भी पहुँचे, क्योंकि हमारे रियासत की हुकूमत के ज़िम्मेदार भी एक गोली कौन सी पुरा है वो गोली कौन सा कोशा महल के MLA जो है राजा सिंह जो है, जिस अंदाज से बकवास किया है, ऐसे लोगों को आज़ाद छोड़े हुए हैं। हम यहाँ के होम मिनिस्टर से भी अपील करते हैं कि वो फौरी इस बारे में एक्शन ले और मरकज़ी हुकूमत सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमने उनको पार्टी से हटा दिया है, बल्कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और इन सब की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए जब तक हम अपना जो है एहतजाज जारी रखेंगे। सभी तंजीमा माशाल्लाह इसमें एक है, कोई अलग नहीं है, मगर यहाँ चंद लोगों की ऐसी ज़हनियत रहती है कि वो अपने शर को हमेशा ज़ाहिर करते रहते हैं। हमारे को मालूम है, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए वो भी आसान करेंगे। देखिए अब किस किस के ख़िलाफ़ में मुकदमे उन्हों बुक करेंगे वो अभी किसी को नहीं मालूम, और उनके सामने तो मुसलमानों को किसी ना किसी अंदाज से टॉर्चर करना और उनके जमातों को बदनाम करना एक साजिश है उनकी, और उस साजिश में उन काम कर सकते हैं, और आइंदा किसको और करेंगे वो भी नहीं कहा जा सकता। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि कैसा बुक होना है, ये तो होते रहेंगे। आइए, हमारे माशाल्लाह अस्करी साहब भी तशरीफ़ ला लिए हैं, अस्करी साहब भी आपके सामने अर्ज़ करेंगे, अस्करी साहब का भी बयान लीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप भूख हूँ,
हम लोग सब यहाँ पर जो है इस प्रोटेस्ट में आए हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। देखें यहाँ पर हम मुसलमान हिंदुस्तान में जो आज जुल्म मजालिम बर्दाश्त करते आए हैं, अगर आप देख लें पिछले कुछ सालों में, अगर हम नज़र देख लें, अगर एक बार नज़र डालें तो ये गौर कर लें कि हमारी बर्दाश्त की इंतहा देखें कि जब हमारे बच्चों को मॉब लिंचिंग के नाम पर कत्ल किया गया, मारा किया गया, हमने बर्दाश्त किया। ठीक है, हमारी औरतों की इज्जत असमत के साथ खेला गया, नीलामी की गई सुली बाई बुली बाई के नाम से, हमने बर्दाश्त और सब्र का मुजाहरा किया। वहाँ पर भी हमारे मस्जिदों को ढाया गया, हमने सब्र का मुजाहरा किया, बल्कि आज भी हम सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं क्योंकि क़ानून पे आईन पे हमको आज भी भरोसा है। उसके बावजूद फिर हमने ये भी बर्दाश्त किया, CA और NRC के नाम पे हमारी शनाख्त पे सवाल उठाया गया, हमने बर्दाश्त किया। और ये सारा बर्दाश्त और तहम्मुल जिसकी सीख है और जिसकी सीख पर मुसलमान यहाँ पे यानी ये मुजाहरा करता है, बर्दाश्त करके दिखाता है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की नसीहतों की वजह से हम इस मुल्क में इस बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ जी रहे हैं, ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम हमारे दूसरे हिंदुस्तानी भाइयों तक पहुँचाएँ कि इस्लाम सब्र का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है। और लेकिन बात अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ आ गई तो फिर कोई मुसलमान खामोश नहीं रहने वाला है, बर्दाश्त नहीं करने वाला है। CA NRC जो है शनाख्त सिर्फ कागज़ों पे है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी का नाम जो है मुसलमान की शनाख्त इस दुनिया में भी है और हशर के मैदान में भी है। तो हमारी शनाख्त, हमारा वजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। अगर नज़र और उंगली उस तरफ उठी तो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और हुकूमतों को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।